हेलो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड के कंटिनेशन में आज हम एट्थ सिंथेसिस आठवीं सिंथसिस पढ़ेंगे जिसका नाम है कूप सिंथेसिस अमीनो एसिड के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहती हूँ वो है सिंथेसिस पार्ट क्योंकि ग्यारह सिंथेसिस हैं लगभग और अक्सर एग्जामिनेशन पर इस पर टाइट शॉर्ट नोट या हाउ टू प्रिपेयर अमीनो एसिड नेम से पूछी जाती हैं तो उसका नाम है कूप सिंथेसिस कूब सिंथेसिस क्या है इस विधि में एल्फा कीटो एसिड एल्फा कीटो यानी कि की एसिड है पर एल्फा पोजीशन पे कीटोनिक समूह है इसमें अमोनिया की उपस्थिति में एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और ये एल्डिमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन करते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में या सोडियम इथेनॉल की उपस्थिति में तो हमें अपचयन करने पर एल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं देखो सी ओ एच है इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ की तो सी डबल बॉन्ड ओ पर अमोनिया के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एलडीमिनो कार्बॉक्सलिक एसिड मिल जाएगा एलडीमिनो सी डबल बॉन्ड एन एच और सी ओ एच एस एल्डीमिनो कार्बॉक्सलिक एसिड और रिडक्शन अगर हम करते हैं रिडक्शन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा जहाँ डबल बॉन्ड एन एच है वहाँ एक एच 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 जुड़ जाएगा और हमें बहुत सिंपल फॉर्म से एक अमीनो एसिड एल्फा अमीनो एसिड प्राप्त हो जाएंगे तो यह है कूप सिंथेसिस ईजी है इसमें कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट है फ्रॉम एल्डिहाइडिक एवं कीटोनिक एसिड से एल्डिहाइडिक या कीटोनिक एसिड देखो की कूप सिंथेसिस भी सिमिलरली ऐसे जैसा ही बिल्कुल इसके जैसा ही है इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक एसिड्स को कीटो एसिड या एल्डिहाइडिक एसिड को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ एन एच टू ओ ओएच के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइम बनाते हैं और जो वो ऑक्साइम जो है एल्यूमिनियम अमल गम यानी ए एल एल्यूमिनियम के साथ मरकरी लेते हैं इससे रिड्यूस होकर एल्फा अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है देखो वापस से ये देखो मैंने आर सी ओ सी सी ओ सी ओ एच लिखा है खूब सुंदर से इसमें यहाँ मैंने सी एस थ्री लिख दिया है और इसका नाम है पायरूविक एसिड जो कि एक एल्फा कीटो एसिड है इस पर हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया की है एन एच टू का H2 और पायरुबिक एसिड का O जो है वाटर मॉलिक्यूल कर बन के निकल जाता है और देखो ऑक्साइम बन गया ऑक्साइम ऑग्जाम पिछली क्लास में पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है डबल बॉन्ड एन ओ एच और इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो देखो दो H तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे एक H हाइड्रोजन के साथ और एक एच ओ एच के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकला अमीन बना और कार्बन के साथ H जुड़ गया तो ये बन गया हमारा एल्फा अमीनो एसिड नेक्स्ट है हाइड एंड सिंथेसिस क्या है हाइड एंड क्योंकि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट जो है वो हाइड एन टॉइन बनता है इसलिए इसका नाम है हाइडेंटॉइन सिंथेसिस इससे एक पर्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड्स का निर्माण हो सकता है इस विधि में एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा हाइडनटॉइन के कंडेंसेशन या संगठन से प्राप्त उत्पाद का हम अपचयन करते हैं फिर जलापघटन करते हैं उससे हमें अल्फा अमीनो एसिड मिलता है एग्जाम्पल में ट्रिप्टोफेन इंडोल थ्री एल से रिएक्शन करता है देखो ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन इज ए अमीनो एसिड और ये कहना चाहिए हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड है कैसा अमीनो एसिड है हिट्रोसाइक्लिक क्योंकि इसमें साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो इंडोल थ्री एल इंडोल का जो कि हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका थ्री एल डी तीन कार्बन नंबर थ्री पे नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री पोजीशन पे सी एच ओ लगाए तो इंडोल थ्री एल डी हाइट पर हम की अभिक्रिया करते हैं व्हाट इज हाइड्रेन टॉइन नथिंग सी एच टू एन एच सी ओ एन एच एन सी ओ यानी दो सी ओ है दो एनएच और एक सी एच टू है इसको बोलते हैं हम साइक्लिक फॉर्म में हाइड्रेन टॉइन इसकी रिएक्शन करते हैं तो सीधी सी बात पता है वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो हम रिडक्शन होता है इसका रिडक्शन होता है और एक एच एक एक एच कार्बन कार्बन पे जुड़ जाता है क्या बन जाता है रिडक्शन होने पर देखो रिडक्शन कैसे ऊपर मैंने लिख दिया रिडक्शन हो रहा है एन एच जी की उपस्थिति में एक एच ऊपर जुड़ गया तो सी एच टू अब हम इसका जलअपघटन करते हैं तो देखो जलअपघटन कैसे होता है मैंने इसको ब्लू पेन से तोड़ के बताया कैसे होगा वाटर मॉलिक्यूल का एक वाटर मॉलिक्यूल एक एच ऊपर ओ बीच में एक एच नीचे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक एच एंड ओ एच इस तरीके से आप समझ सकते हो क्या बन जाता है ट्रिप्टोफैन अमोनिया निकल गया सी ओ टू निकल गया और बाकी बचा जितना भी पोर्शन था वो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाता है इसका नाम है ट्रिप्टोफैन इट्स अमीनो एसिड हिट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड तो ये भी एक अच्छी प्रिपरेशन है हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस के नाम से इसको हम पुकारते हैं एंड द लास्ट सिंथेसिस इज नोन एज बुकरर सिंथेसिस अगेन हाइड्रेंटोइन बनेगा पर बुकरर ने चूंकि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया इसलिए इसका नाम है बुकरर हाइड्रेंटोइन सिंथेसिस इस विधि में क्या करते हैं कोई भी एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं फिर अमोनियम कार्बोनेट से क्रिया करके हाइड्रंटोइन बनाता है। देखो हमने पहले वाली अभिक्रिया में डायरेक्ट हाइड्रोनटॉइन लिया था अब हम पहले हाइड्रंटोइन बनाएंगे फिर उसका शारी अपघटन करेंगे तो हमें अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त हो जाएगा कैसे बहुत सिंपल बुकरर ने इसको इन्वेंट किया था इसलिए इसका नाम है बुकरर हाइड्रंटोइन से आर सी एच ओ कोई भी एल्डीहाइड ले लो इस पर हाइड्रोजन साइनाइड एच सी एन की अभिक्रिया करेंगे तो एच ओ पे जुड़ जाएगा और सी एन कार्बन पे जुड़ जाएगा देखो आर सी एच सी एन एन ओ एच इसका अमोनियम कार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो साइक्लाइज होकर हमें जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम है हाइड जो कि ऊपर देखो ऊपर भी दिखाया है यहाँ अंतर क्या है यहाँ C के ऊपर H2 है यहाँ मैंने C के ऊपर क्या लगा रखा है R कोई कोई दिक्कत नहीं जैसा अमीनो एसिड हम बनाना चाहते हैं वैसा हम एलडीहाइड काम में ले लेंगे अब चूंकि हाइडेंटॉइन बन गया है इसका हम क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे जल अपघटन करेंगे तो जैसे मैंने ऊपर करके बताया एच अमोनिया निकलेगा जल जलकाणु निकलेगा और साथ में सॉरी जलकाणु काम है कार्पीओ टू निकलेगा अमोनिया निकलेगी और एक एच एच जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आर सी एच एन एच टू एन सी ओ ओ एच तो ये है हमारा बुकरर हाइड्रेन सिंथेसिस तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सारे रिएक्शंस जो हैं लगभग ग्यारह सिंथेसिस हैं इनको एक एक बार लेक्चर में देखना और उसको लिख कर तैयार करना थी इलेवन जो अमीनो एसिड की सिंथेसिस हैं वेरी इंपॉर्टेंट और इनको नाम से इसको याद रखना